दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छे घरेलू उपाय के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जिन लोगों को पतलेपन की शिकायत रहती है, पानी जैसा का पतला रहता है और वो गाढ़ा करना चाहते हैं, दोस्तों जो पतला होता है उससे धातु संबंधित बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इससे शरीर आपका दिन का दिन कमज़ोर होता चला जाता है। शादी के बाद अब आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों को खाया पिया लगता नहीं शरीर में, जैसे बहुत खाते हैं, अच्छा अच्छा पौष्टिक भोजन करते हैं, लेकिन शरीर दुबला का दुबला पतला का पतला बना रहता है दोस्तों, इसके साथ साथ ये अत्यंत बलवर्धक अत्यंत पौष्टिक है दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है दोस्तों, बॉडी बनाने में शरीर बनाने में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है दोस्तों। दोस्तों इसमें आपको लेना है 50 ग्राम अश्वगंधा। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो 50 ग्राम आप अश्वगंधा ले लें। इसके साथ साथ आप 50 ग्राम सफ़ेद मूसली ले लें और इसके साथ साथ आप 50 ग्राम सतावर ले लें दोस्तों। इनको समान मात्रा में लेना है, चाहे तो आप ज़्यादा बनाना चाहें तो 100-100 ग्राम ले लें, प्योर लें, शुद्ध लें, साफ लें। अब इनको कूट पीस के पाउडर कर लेना है, बहुत आसानी से पाउडर हो जाएंगे, चाहे तो मिक्सी में कर लें या तो आपके पास इमाम दस्ता हो तो उसमें कूट पीस कर इसका बारीक पाउडर कर लें। बारीक पाउडर करके इसको रख लेना एक डिब्बे में। अब दोस्तों इस्तेमाल कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बता दूँ। आपको सुबह लेना है 50 ग्राम गेहूँ का आटा, ये चोकर सहित लेना है, चोकर युक्त लेना है आपको गेहूँ का आटा, और आपको 2 चम्मच देसी घी लेना है, प्योर देसी घी। आप चाहे तो गाय का ले या तो भैंस का ले दोस्तों। किसी कढ़ाही में घी को डाल दे, उसको गर्म करें, उसमें वो आटा गेहूं को जो आपने लिया है उसको उसमें डालकर भूने, जैसे हलवा बनाने के लिए भूनते हैं ना आटे को, जब वो भूरे कलर का होने लगे तो उसमें इसका 1 चम्मच जो आपने पाउडर तैयार किया है सुगंधा सतावर सफ़ेद मूसली का, 1 चम्मच लगभग 5 ग्राम पाउडर उसमें डाल दें। और मीठे के लिए दोस्तों मिश्री धागे वाली आप ले आएँ तो मिश्री धागे वाली का आप पाउडर बनाकर रख लें, 2 चम्मच उसमें मिश्री डाल दें धागे वाली। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा पानी डालकर, जैसे हलवा घर में बनाती हैं माताएँ बहनें, तो उसी प्रकार से इसको एक हलवा बना लेना है, एक पेस्ट बना लेना है, जैसे हलवा खाते हैं। और बस दोस्तों इसको आपको इस्तेमाल करना है सुबह खाली पेट, बस फिर देखिए कमाल। चाहे तो आप इसको दूध के साथ थोड़ा सा दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके और टेस्टी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और चाहे तो आप ऐसे खा लिया करें।